Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. चलिए हम अदनान को ले लेते हैं. I hope ये मुस्लिम है. अदनान जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में. क्या आप बता सकते हैं आप की इल्मी सलाहियत और आप किस मसलक से आप वाबस्ता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं बताना, जरूरी बनता है ना, हमारा हक बनता है जी, क्योंकि ये हम जहाँ भी जाएंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं. अल्लाह और उसके रसूल, 124,000 पैगंबर, तमाम मौलिया कराम, जितने भी अल्लाह के नबी और रसूल गुजरे हैं, सब पे ईमान रखते हैं. आप किस अल्लाह पाक की चार किताबें हैं उन पे ईमान रखते हैं. सर जी, मैंने क्या क्या आप मानते हैं वो नहीं पूछा. मैं कह रहा हूँ कि आप किस फिरके से आपका ताल्लुक है. नहीं, फिलहाल तो हमारा फिरका कोई नहीं है, हम आशिक रसूल हैं. आशिक रसूल यानी बरेलवी हैं आप? आशिक रसूल है सर, बरेलवी का मतलब नहीं इसमें कोई भी आता. मैं हम आशिक रसूल okay, हमें मेरी बात सुने ना ना, वो एक मिनट कोई बात सुने ना, मैं बताता हूँ. एक मिनट बात सुने ना, बात सुने, बात सुने ना मेरी आप, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर जमात से हमारा ताल्लुक है. हाफिज सईद साहब से हमारा बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और उसके बाद ये जो हमारी बड़ी जमात है, तबलीगी जमात है, हमारा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुकात है. ठीक है, क्योंकि जो अच्छे दीन के लिए अच्छा काम करते हैं, हमारा उसमें मसलक है, उसमें हमारा फिरका नहीं है. ठीक है, जो फिरका रखता है. अदनान जी, एक मिनट मेरी बात रुकिए. एक मिनट आपकी बात का आप मुझे थोड़ा सा बात करने का मौका देंगे. एक मिनट आपको मैं मौका दे रहा हूँ, जो बोलना आप बोल लीजिए. जी जी बोलिए. एक मिनट स्टार्ट हो गया है. जी जी सर, आप बताएं किस टॉपिक पे बात करनी है, हम उस टॉपिक पे बात करते हैं ना फिर. अच्छा चलिए, लेकिन आप अपना फिरका नहीं बताएं. टॉपिक आप बताएं सर. फिरका मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी जमात है, मैं फिरके से नहीं ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि हमारी जमात है. हम पहली बात तो ये, कौन सी जमात से? हमारी जमात है अहले सुन्नत जमात है, और दूसरा हम सैयद जादों के मुरीद है. ठीक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल पाक में जो है उनके मुरीद है, सैयद तासीर हुसैन शाह. चलिए, मुझे समझ में आ गया कि आप बरेलवी फिरके से हैं. आप भले से उसको ना तस्लीम करें, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये जो मुरीद और पीर वाला जो सिस्टम है, ये सलफियों के नजदीक ये सब बातिल सिस्टम है. बल्कि जो आशिक रसूल आप कह रहे हैं, सलफियों के नजदीक ये अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी है. तो इससे समझ में आ जाता है कि आप बरेलवी फिरके से आपका ताल्लुक है. इसके लिए मैंने, जब आप आशिक रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तभी मैंने ये चीज. अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं ना. ठीक, आप अहमद रजा खान को मानते हैं या अशरफ अली थानवी साहब को मानते हैं? हम दोनों को मानते हैं. लेकिन अहमद रजा खान तो अशरफ अली थानवी के ऊपर कुफर के फतवे ये सब लगाते हैं, वो तो गुमराह मानते हैं. कई बहस हो चुकी है. मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, मैंने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है. जो अहमद रजा खान के मानने वाले हैं, वो देवबंदियों को, सलफियों को ये गुमराह और काफिर तक भी कह देते हैं, गुस्ताखे रसूल कहते हैं. आपको ये नहीं पता है गुस्ताखे रसूल ये कैसे? गुस्ताखे रसूल जो होगा, जो जमात वाला, जो फिरके वाला, वो हक फिरके वाला कैसे हो सकता है? एक मिनट सर, अभी बात कर रहे हैं हम लोग तो टाइम डिफेंड कर लेते हैं. आप 2 मिनट में मुझसे सवाल, यानी कि जितने भी करना चाहें, यानी कि आपके हर सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपके सवालों पे पूरा उतर सकूं. सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा कि मुझ में जितनी हिम्मत है, ताकत है, जितना अल्लाह पाक ने मुझे इलम अता किया है अल्लाह के रसूल के सदके, मैं आपको उतना बता दूंगा. अदनान जी, चलिए टॉपिक पे आते हैं. हम आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुरान और हदीस में सिर्फ मुसलमान महिलाओं को ही पर्दा क्यों? तो आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पर्दे की जरूरत क्या है, क्यों पर्दा जो है वो मुसलमान औरतों पे यानी उसका हुक्म दिया गया? इजाजत है बोलने की? जी बिल्कुल इजाजत है. जी सर, अभी यानी कि पर्दे के बारे में आपने बात की है,
मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है उसकी। हाँ मतलब आपका? सवाल ये है कि पर्दे का हुक्म क्यों, उसका बेनिफिट क्या है या उसकी वजह क्या है। जी, मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि आपने सवाल किया है कि मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है। मैं थोड़ा आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने ये सवाल किया है कि औरतों को, मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है। जी आपका सवाल यही है अभी? जी मैंने कहा ना, जवाब दीजिए। जी, ठीक है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पर्दे का हुक्म जो हुआ है, पर्दे का हुक्म वहां से शुरू हुआ था जहाँ पहले पर्दे का हुक्म नहीं था, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने यानी के लोगों को अपनी नबूवत का दावा किया, तब भी यानी के पर्दे का हुक्म नहीं हुआ था, तब भी पर्दे का हुक्म नहीं हुआ था। अभी तक ठीक पर्दे का है। हुक्म हुआ था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो, आपके जो आप जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर मुबारक में जब आते थे, तो आपको यानी कि शर्मिंदगी महसूस होती थी कि आप यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जो माँ है उनके सामने जब जाते थे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि आपने फिर कहा था कि या रसूलल्लाह, ये हदीस मुबारका में ये हजरत उमर फारूक का ये कौल मुबारक भी मौजूद है, और हदीस मुबारक में भी इसका जिक्र पूरा मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है इसका जिक्र, कि आपने कहा था कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरे आका मौला की जो बीवियां हैं वो बापर्दा रहें, यानी कि उनके सरों पे दुपट्टे ना रहें। उसी वक्त अल्लाह पाक ने आयत नाजिल की थी कि अपनी बीवियों को, ऐ मेरे नबी, अपनी बीवियों को हुक्म दे दो पर्दे का, क्योंकि मैंने उनको हर तरह की गंदगी और गलाजत से पाक कर दिया है। ठीक है, ये अल्फाज और है उसमें। उनको, जी, बिल्कुल, कुरान पाक में ये अल्फाज मौजूद है ना, उसके बाद ये इसकी तफसील जो है हदीस मुबारका में आती है ना, पूरी बुखारी शरीफ में इसकी तफसील है जो, क्योंकि इसके आप बारे में ये मैंने तफसील इसकी पूरी, सूरे सूरे अहज़ाब की आयत नंबर 59 आप बता रहे हैं शायद। मैं सर क्योंकि कुरान पाक पूरा मुकम्मल नहीं ना पढ़ा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपके सवालों के जवाब पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ना मैं आलिम हूँ, ना मैं नहीं हाफिज हूँ, आपने ना मैंने अदनान नादरा में कुरान पढ़ा है। अदनान मैं, भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अब आपने अल्लाह के जी, नाम से, अच्छा ये जशन जी है, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, 100 रुपए का चढ़ा हुआ मेरे तरफ से भी। अब मेरी भी जन्नत में घर पक्का हो गया इंशाल्लाह, बेशक सोने का घर मिलेगा जशन जी बहुत क्योंकि करोगे मुझे, काम। मेरी अच्छा बात सुने, मेरी बात सुने सर मैं, नहीं, सुनिए मेरी अभी, बात सुनिए। क्योंकि आपने एक मिनट अदनान भाई, आपने अभी एक चीज कही ठीक है, उसमें आपने ये कहा कि उनकी जो बीवियां हैं उनको क्या कर दिया है, गलाजत से पाक कर दिया बिल्कुल, जी है ना। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये जी कुरान में बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो है, आपने कहा हाँ, आपने कहा है, और जिस आयत को आप एज अ दलील में पेश कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 आप कोट कर रहे हो। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसमें वो अल्फाज मुझे नहीं दिख रहे जो आप दावा कर रहे हो। क्या लिखा है देखिए, स्क्रीन दिख रही है अदनान जी जी, दिख स्क्रीन रही दिख है, रही है। ठीक है देखिए, या जी, दिख रही है, अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। ओ प्रॉफिट, टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स एंड द वुमेन ऑफ द बिलीवर्स टू ब्रिंग डाउन ओवर देमसेल्व्स पार्ट ऑफ देयर आउटर गार्मेंट दैट इज मोर सुटेबल, दैट दे विल बी नोन एंड नॉट बी अब्यूज, एंड एवर इज अल्लाह फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। ए पैगम्बर, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करे तो अपने मुंहों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करे। ये अम्र इनके लिए मौजिब शनाख्त व इम्तियाज होगा, तो कोई इनको ईजा ना देगा
और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है, यहाँ पे वो चीज नहीं है जो आप कह रहे थे। एक मिनट सर, अभी इसी तो बात कर रहा हूँ इसी जगह पर, ये स्क्रीनशॉट आप अपने पास संभाल के रखिए जरा, क्योंकि अगर कल आपकी स्क्रीन का टाइम होगा तो इसका जवाब इसकी हदीसे मुबारका और पूरा यानी के पर्दे के मुताबिक जितने भी यानी कि आयात मुबारक मौजूद है या सूरह पाक मौजूद है, ये पूरी तफसील आपको कल यानी कि कल के टाइम पे मैं आपको पूरी तफसील आपको सुना भी दूंगा और हदीसे मुबारका भी आपको पूरी पेश करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने ये दावा किया था कि कुरान में है, ठीक है, तो आप कुरान से आपको साबित करना है जो आपने दावा किया, वरना मेरी बात सुने सर, मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई। ठीक है अदनान भाई, आप बोलिए। क्योंकि सर, क्योंकि हम लोग ऐसे बातें एक दूसरे के, या तो एक बंदा पहले बोल रहे या मैं बाद में बोल लेता हूँ या आप बाद में बोल रहे, क्योंकि बात जो है लोगों को समझ आनी चाहिए कि हम किस जगह किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, तो ये खिचड़ी पक जाएगी बाद में, फिर फायदा क्या है, वही लोग समझेंगे कि दोनों बेवकूफ है या दोनों पागल है, या वो बंदा पागल है या आप पागल है या मैं पागल हूँ। अदनान जी, आप मेरी बात से सहमत है? मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब आप कोई चीज दावा करते हैं तो दलील आपके जिम्मे है, इस चीज को मानते हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी मेरी एक बात सुने ना, क्योंकि मैंने अभी आपका चैनल देखा था, क्योंकि मैंने पहले यानी कि आपका चैनल नहीं देख चेक किया, क्योंकि इससे पहले हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है खत्मे नबुव्वत फोरम पे। अच्छा, आप कोई चैनल से हैं? क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि मैं चैनल पे नहीं हूँ, मैं यानी के एक यानी के छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, और यानी के अपनी तालीम के तालिबे इल्म हूँ, आलिम नहीं हूँ। नहीं, आलिम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने मदरसे में पढ़ाई की है या क्या, कैसे? ताकि मदरसे में मैं पढ़ा हूँ यानी के तकरीबन यही कोई, हाँ जी, मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल तक पढ़ा हूँ, 2 साल में मैंने सिर्फ अपना एक यानी के छोटा सा यानी के तालीम का छोटा सा सिलसिला जो यानी के जहाँ तक मैं पढ़ सकता हूँ, जितनी मुझ में हिम्मत थी, यानी के कुछ आपको पता है सिलसिलेकार ऐसे होते हैं, हमारा जो घर के मसाइल ऐसे थे कि हम यानी के ज्यादा टाइम नहीं दीन को दे सके। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं दीन को टाइम देने की। ठीक है, लेकिन 2 साल आपने मदरसे में बाकायदा आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तो ये इससे काफी फर्क पड़ जाता है लोगों को समझने के लिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि कुरान में ये कहा गया है कि अल्लाह ने उनको पाक कर दिया, और जो आपने 2-3 अल्फाज आपने कहे हैं, मैंने कहा कि मुझे तो वो आयत कोई नहीं पता है, और जो आयत आप बताना चाह रहे हैं उसमें वो चीज नहीं है, तो आपके जिम्मे है कि उस आयत को आप लेके आए जिसमें आपने जो बात कही वो हो, ठीक है? एक ये होमवर्क है सर, आप मैंने आपको जी जी सर, मैंने आपको वही बात कही है कि आपने आयत मुबारक पेश की, क्योंकि अभी तो फिलहाल टाइम भी आपको पता है बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे जो उस्ताद मोहतरम है वो भी आराम कर रहे हैं, तो उधर का टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, मैंने आपको कहा कल का आप टाइम रख ले ये आयत मुबारक, और आपके और भी सवाल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आपके और भी सवाल होंगे इंशाल्लाह ताला, कल आपको कल आप टाइम रख ले तकरीबन सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 8:30 बजे या 9 बजे का टाइम रख ले। आप सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं सऊदी अरब से भी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से है और सऊदी अरब से बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त अदनान भाई। अच्छा, मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि कल हमारी स्ट्रीम नहीं होने वाली है, नेक्स्ट स्ट्रीम आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नेक्स्ट स्ट्रीम जब भी होगी कम्युनिटी टैब में आपको पता चल जाएगा और उसमें आप ला सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। नहीं, हम व्हाट्सएप मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ। नहीं, चले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता चल जाएगा, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं xmuslimindian@gmail.com। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं वरना वक्त बहुत जाया हो जाएगा। जी जी, आप बात आगे बढ़ाए। ठीक है, तो इस आयत में है जो आपने बताया है कि उसमें मुसलमान औरतों के लिए और जो मोहम्मद साहब की बीवियां हैं और बेटियां हैं
उनके लिए ये आपने आयत पेश की है, ये आपने आयत पेश की है, मैं आपको पर्दे के मुताबिक पूरी आयत यानी कि सूरत मुबारका में इतना मौजूद है औरतों को पर्दे के बारे में और नबी पाक के घराने के बारे में इतना भी मौजूद है, मैं आपको पूरा सत्यकार कल आप इन शॉर्ट मुझे बताइए, जहां पे ऐतराज होगा मैं खुद आपसे दलील मांग लूंगा। मैंने आपसे पूछा था जी कि जी पर्दे बिल्कुल की वजह क्या है, हाँ पर्दे की वजह क्या है वो बताइए। जी मैंने आपको वही बताया है ना कि पर्दा हुक्म आपके घराने को अल्लाह पाक ने किया था, पर्दे का हुक्म नबी पाक ने नहीं किया, अल्लाह पाक ने उनको कहा कि ये हुक्म आप दे उनको। अरे अदनान भाई, मैं पूछ रहा हूं कि वजह क्या है उसके पीछे, क्यों दिया गया, क्यों उतारा गया पर्दा? आपके सामने आए थे, उसमें भी लिखा हुआ है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे शायद। पर्दे की वजह क्या है, और क्या सिर्फ मोहम्मद साहब के घर वालों के लिए थी या बाकी मुसलमानों के लिए भी है? बाकियों के लिए भी यानी कि हुआ ना पर्दे का हुक्म, जब पहले घर से शुरू किया अल्लाह पाक अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह पाक ने पहले उनको उनके घर से पर्दा शुरू किया ताकि ऐसा नहीं जो है। उधर के उठपटांग लोग हैं, मेरी बात सुने एक नहीं मिनट, अदनान भाई आपकी बात गलत आप है, या तो मुझे बात करने दें या तो आप खुद बात कर लें पहले, क्योंकि लेकिन बात के अंदर अगर बोलना गलत है, बात मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका, आपने जो कहा कि सिर्फ घर वालों के लिए है या पहले घर वालों से शुरू हुआ, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। कुरान की जो आयत है उसमें एक साथ उतरा है, ऐ पैगंबर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो, सब एक साथ है। आप बोल रहे हो कि पहले घर का शुरू किया बाद में फिर मुसलमान औरतों को किया, तो आप गलत बोलोगे तो मैं कैसे सुन लूं? सर मैंने आपको यही कहा ना कि आपने जब बात की तो मैंने आपको कहा कि इसके मुताबिक मैं आपको यानी कि आप तीन अपने अपनी जब भी शुरू करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन के 3 दिन के अंदर जैसे भी आप शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो यानी कि आपको बताया कि टाइम ऐसे होता है, कब रात के वक्त ज्यादा फ्री होता हूँ, दिन के वक्त कम फ्री होता हूँ, और अच्छा एक मैं काम आपको करते इसके हैं, मुताबिक पूरी मैं तफसील आपको, पेश कर दूंगा। ठीक है, मैं असल में आपके पास अभी वो शायद रेफरेंसेस नहीं है जिसके बिना पे आप माजूर है अभी के लिए, ठीक है। मैं चलिए मेरे पास जो है मैं वो पेश कर देता हूँ, आपकी क्या समझ है वो बताइए, मेरी जो समझ नहीं है। आप ना पेश करें, क्योंकि आप ना पेश करें अपनी समझ से, क्योंकि आपकी समझ से पेश करने से मैं ना कुरान मैं की आयत मानूंगा पेश ना कर मैं रहा हूँ, आपकी बात पे यकीन करूंगा, मैं दलील से आप ना पेश पेश करूंगा करें ना तो ना आप ना फिर आप क्यों ना ज्वाइन पेश हुए? करें ना, मैं आपको पेश करूंगा ना, इंशाल्लाह मैं आपको पेश करूंगा, फिर इस पे बात होगी, क्योंकि तो आप जब मानते नहीं अल्लाह पाक, जब आप अल्लाह पाक को नहीं मानते फिर उसकी किताब को मानने या ना मानने से आपको कोई, हमें आपके मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अदनान बात मैं जी, आपको बता रहा हूँ कि आपने जो आयत पेश की इसको मैं आपको पेश करूंगा इंशाल्लाह, जिस दिन भी आप अपनी स्क्रीन करेंगे, और सुनने वाले लोग भी तो ये सुन अभी रहे हैं, आपके पास जितने भी मतलब लोग अभी अभी आप सुन रहे हैं अदनान भाई मतलब अभी अभी के लिए फिलहाल मेरे ऐसा, पास, तो यार प्रिपेयर करके आ जाते ना, इतना वक्त आपने ले लिया, हम किसी और को मौका दे देते। सर मैंने आपको आके आप पहले क्या बोलते कहा कि मैं कि नहीं, तो आप डिस्कशन पे उतर गए ना जनाब। हाँ अच्छा, तो मुझे ठीक है आपसे एक सवाल करना है बस, क्योंकि ज्यादा ना, मुझे आप आपसे सिर्फ एक ना ही सवाल ना करना है, ना ना अदनान जी, सिर्फ अब एक सवाल, हम एक सवाल नहीं सुनो, आपने, नहीं मैंने आपसे सिर्फ नहीं एक सवाल करना है बस, इसके बाद नहीं मेरा कोई सवाल नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, आपको जवाब देना अच्छा लगे आप दें, ना जवाब ठीक देना है, अच्छा चलिए लगे आपकी अपनी मर्जी, सुनने ठीक है, वाले आप सवाल, आपकी बात भी सुन लेंगे। आप सवाल एक कर लीजिए और वो मेरे ऊपर है कि मुझे जवाब देना है या नहीं देना है, ठीक है, बोलिए। जी, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? ठीक है, हो गया सवाल आपका, बस इतना। ठीक है। मेरे इस चैनल पे जो सबसे पहला दो वीडियो है उसमें मैंने तकरीबन, एक वीडियो 30 मिनट का है, एक वीडियो तकरीबन 25 मिनट का है, आप उसको जाके देखिए, मैंने तफसील से पूरा बताया है कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा है, आप उस पर देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं 1 घंटे का लेक्चर नहीं दे सकता हूँ, तो इसी चैनल पे आपको नहीं नहीं सर, सबसे पहला मैंने सिर्फ वीडियो। आपसे सवाल पूछा,
वीडियो नहीं, मैंने देख वीडियो लिया। में, क्योंकि वीडियो देखने का मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि नहीं तो हमारे पास मेरे और पास, भी बहुत सारा काम होता है। तो मेरे पास अभी आप एक सिर्फ घंटा मुझे बताऊंगा, सिर्फ सुनिए पांच अभी आपने मिनट कहा था आप एक, गिनती के ना पांच ना मिनट ना पे बात कर लें, पांच नहीं मिनट सिर्फ नहीं नहीं हमारे लिए, पांच ना मिनट पे बात करें या आप ना तीन मिनट कर भाई, लें, आधा टाइम ना खत्म कर ना लें, आधा अदनान टाइम आप भाई, खत्म कर लें हमारी तरफ से। अदनान भाई देखिए, सुनने का मादा रखे। मैं कह रहा हूं आपने मुझसे कहा था कि एक सवाल मैं सिर्फ करूंगा, आपको जवाब देना है नहीं देना है ये आपकी मर्जी, ठीक है, ये भी कहा था। मैंने आपके सवाल पे मैंने जी जवाब दे दिया कि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है और तफसील से बनाया है और उसमें मैंने सब पॉइंट्स बताए हैं जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को छोड़ा है। तो आप वो देख लीजिए, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है कि मैं 1 घंटे का भाषण दूं उस चीज पे अगेन, है ना। तो आप वीडियो देख लीजिए, थोड़ा यानी हौसला कि रखिए, आप अभी मेरी बात सुने, आप अभी यानी कि राम जवाब देने सिंह के जी, हालत में नहीं है, यानी कि राम आप सिंह जवाब देने जी की हालत में नहीं है, क्योंकि जी आप जी बात को घुमा के सीधा मेरे ऊपर ही फेंक देंगे, तो नहीं, इससे हमारे यानी कि मेरे टॉपिक, दिल को तसल्ली नहीं ना होगी। अरे भाई मैं, आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है अदनान भाई। मैंने आपको इतना मौका दिया, आपने लास्ट में बोला कि मैं आपके हवाले नहीं, मैं ये सब स्टडी करके आऊंगा या देख के आऊंगा, मैंने वो भी मान लिया। अदनान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगा कि जी आप सर, इन सारे हवालों पे आप तहकीक करके और डिटेल इसमें लाकर आप हमसे डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह एंड तआला जी, जरूर अल्लाह आपको पाक के मुझे हुक्म मैच से। अच्छा, करना है। ये मैं थोड़ा सा स्ट्रीम नहीं देख रहा था, ये अदनान भाई इस आयत के बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जो भी आयत पेश करोगे मुझे नहीं देखना है, मैं इस पे पहले स्टडी करके आऊंगा उसके बाद आपसे गुफ्तगू करूंगा। अदनान भाई किससे स्टडी करेंगे आप, किस स्कॉलर की स्टडी करेंगे? अच्छा, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से स्टडी करूंगा ना इस बारे में। सर उस्ताद मोहतरम किसको मानते हैं? कुर्तबी को हमारे मानते जो हैं, उलामा किस आलिम को एक मानते हैं? मिनट, हमारे जो उस्ताद मोहतरम है जनाब, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सुफियान। अच्छा, वो तो है ना, वो तो मुफ्ती हमारे एक मोहम्मद और मुजिब है उस्ताद ना है, सर। मेरा हमारे एक सवाल और उस्ताद है जरा, कारी उमर सॉरी फरूक। जी, मेरा मेरा सवाल जरा फर्क है, अगर आप समझ सके मेरे सवाल को। आपके जो उस्ताद हैं ये किन अर्ली स्कॉलर्स को मानते हैं? किस, देखिए ये खुद तफसीर राइटर तो नहीं है ना, ये तो किसी ना किसी तफसीर राइटर को मानेंगे ना, किसी अर्ली स्कॉलर को मानेंगे, किसी, तो वो किसको मानते हैं जरा आप ये बताना पसंद करेंगे मुझे, कि आपको नहीं पता। अगर किसको नहीं क्या पता कोई मसला मतलब? नहीं है, नहीं पता अगर आपको तो कोई नहीं मसला नहीं नहीं। आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या यानी कि किसको क्या मतलब, आपकी बात करने का क्या मतलब? मुझे बात करने का आपका मतलब तो समझ में आया ना, जी, मैं मतलब यही पूछ रहा किसको हूँ, क्या मतलब? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये जो आपके उस्ताद मोहतरम है जो आपको पढ़ाई करवाते हैं, ये किस अर्ली स्कॉलर की जी तफसीर को मानते हैं, किसको जानते हैं, किसके बारे में कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं? किसके बारे में कहते हैं ये सही कह रहे हैं? बुखारी जवाब तो ये मुस्लिम देना शरीफ, चाहते बुखारी हैं। शरीफ को मानते हैं, ठीक है जी, तिर्मिजी शरीफ को भी मानते हैं, बुखारी शरीफ को भी मानते हैं, मुस्लिम शरीफ को भी मानते हैं, ठीक है जी, हमारी और भी बुजुर्गाने दीन की जितनी भी किताबें हैं सबको मानते हैं, और अल्लाह पाक की चारों किताबों पर ईमान रखते हैं, कुरान पाक को मानते हैं, यानी कि हमारे उस्ताद है, तो यानी कि उनके ईमान की तो हम यानी कि गवाही देते हैं, कि एक समझ ले के हमसे भी ज्यादा, हम तो बहुत छोटे अच्छा हैं यानी कि कीड़े की तरह है ना, वो तो हमसे भी बेशक। बहुत बड़े हैं ना, तो अच्छा, ये जो पाकिस्तान, उनका तो जी, आपको आपको पाकिस्तान में, चूंकि आप पाकिस्तान से हैं राइट, अलहमदुल्ला पाकिस्तान से हूँ। अच्छा सर एडम ये जी एक सुपर चैट ले लूं, दो जी जी इजाजत है प्लीज तो। जी प्लीज भरत भरत जी है, 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट भाई। अदनान भाई को नींद नहीं आएगी आज, काफी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड फॉर हिम टुडे ऑनवर्ड्स, सून ही विल बी काफिर। साहिल भाई रॉक्स, नहीं देखिए वो, उनको पूरा मौका दिया जाना इस चाहिए, बात पे मैं उनको बात जवाब करता हूँ छोटी सी, नहीं इस नहीं बात पे मैं छोटी सी बात कर देता हूँ, क्योंकि भाई असल ने कहा असल है कि बात मुझे नींद नहीं आएगी, तो ये हकीकत बात है, इनकी बात नहीं, ये इन्होंने बात हकीकत की है,
मुझे खुदा करे कि मुझे लगता नहीं है कि मुझे 4 दिन तक भी नींद आए, क्योंकि ये स्ट्रीम मैंने तो जब सुनी है, थोड़ी थोड़ी सुनी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये बातें सुन के मुझे खुदा ना करे कि मुझे नींद ना आए 4 दिन, क्योंकि हमारा जो ईमान है ना इन चीजों को सुनने का कायल ही नहीं है। हमारा जो अंदर का दिल है ना वो फट जाता है। मेरा जो दिल है ना, क्योंकि जैसे एएस के भाई के साहब के जैसे बात हो रही थी और भाई साहब ने जैसे बात की, हमारा जो दिल था वो अंदर से कट गया था एकदम, मतलब समझ लें कि किसी ने अंदर उसके को चील मार दी हो, तोड़ दिया। फिर हमने अपने आप को संभालना पड़ता है ना, क्या करें, फिर हम भी मजबूर है किसी के हाथों, क्या मैं एकदम तो किसी के ऊपर मजबूर है ना, हम भी हम मजबूर थे इसलिए हम, क्योंकि हम आमने सामने नहीं है ना। अच्छा अदनान, अदनान एक सेकंड यार। अच्छा एक एक सुपर चैट ले लूं, उसके बाद कंटिन्यू करेगा एडम ही। वीरल पटेल जी है, बहुत बहुत स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल वीरल पटेल जी, आप आज वक्त मिला, आप आए स्ट्रीम में, 4.49 pound का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। ही हैज मेड वीडियोस ऑन व्हाई ही लेफ्ट इस्लाम, वॉच दोस वीडियोस अदनान। बिल्कुल मैंने ये मैसेज उनको दे दिया है। यस एडम यू कैन कंटिन्यू। जी आपको यार ये लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया था कि ये उमर, सही बुखारी की सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें उमर ने आवाज दी थी मोहम्मद की वाइफ को, सौदा को, अपने दोस्तों के दरमियान बैठे हुए। मैं दोबारा वो दिखा देता हूँ, लेकिन वो एक सेपरेट चीज है, उसकी वजह से ये आयत नाजल हुई थी। अच्छा जी, जब आयत नाजल हुई, इस आयत को अरबी में युदनैना अलैहिन्ना के अल्फाज का क्या मतलब है, ये तफहीमुल कुरान में बताया गया है। अच्छा ये मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, जरा इस चीज को समझिएगा कि शटल कॉक बुरका जो है वो इस्लामिक है। अच्छा आपकी तरफ जो है ना नॉइज बहुत है, अगर आप म्यूट करते हैं जब आप नहीं बोल रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अदनान साहब थैंक यू। अच्छा ये कहते हैं जी, असल अल्फाज है युदनैना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना। जलाब अरबी जुबान में बड़ी चादर को कहते हैं और अदना के असल मायने है करीब करने के और लपेट लेने के, मगर जब इसके साथ अला आइन जबर लाम या खड़ी जबर का सिला आए तो इसमें इखरा यानी के ऊपर से लटका लेने के मफहूम पैदा हो जाता है। मौजूदा जमाने के बाद मुतरजमीन व मुफस्सरीन मगरबी मजाक से मलूब होकर इस लफ्ज का तर्जमा सिर्फ लपेट लेना करते हैं, ताकि किसी तरह चेहरा छुपाने के हुक्म से बच निकला जाए। लेकिन अल्लाह ताला का मकसूद अगर वही होता जो ये हजरत बयान करना चाहते हैं, तो वो युद्ध नई ना इलई हिन्ना जेर के साथ फरमाता। जो शख्स भी अरबी जुबान को जानता हो कभी ये नहीं मान सकता कि युदनैना अलैहिन्ना जबर के साथ के मायना मोहज लपेट लेने के हो सकते हैं। मजीद बरा मिन जलाबिहिन्ना के मायना ये हैं और ज्यादा माजे हैं। जाहिर यही के मिन तईन के यानी कि चादर का एक हिस्सा, और ये भी जाहिर है कि लपेटी जाए। अच्छा इसको किस तरीके से बयान किया, ये उबैद के जमाने में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर उठाई, इसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढांक कर सिर्फ एक आंख खुली रखी। इब्ने अब्बास भी करीब करीब यही तफसीर करते हैं, जो इनके अकवाल इब्ने जुरैर, इब्ने हातिम और इब्ने मर्दविया ने नकल की हैं, और इनमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा लें और सिर्फ अपनी आंखें खुली रखें। आंखें या एक आंख, ये इसके ऊपर एतराज है सर। अब जब आप इस तरीके का रेफरेंस देखते हैं कुरान की आयत को, अरबी को तफहीम है, ये अरबी की तफहीम है, उसमें आप जब देखते हैं कि भाई एक औरत पाखाना करने, यूरन करने जा रही है, अपना सर नीचे रख के ऑब्वियसली, उसको उमर जैसा अच्छा शख्स सहाबी मोहम्मद के इतने करीब अपने दोस्तों के दरमियान खड़े होके आवाज कसा और फिर वो मोहम्मद के पास आई उसकी बीवी, तो मोहम्मद ने कहा जी अल्लाह मियां ने ये वाली आयत दे दी है, अपने आप को ढांक लो। उमर को नहीं कहा कि अपनी नजरें नीची रखो, ठीक है, उमर को नहीं कहा कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, बल्कि औरतों को कह दिया, तमाम मुसलमान औरतों को कह दिया कि अपना आप ढांप लो सर से लेके पांव तक, अपनी आंखें सिर्फ छोड़ के, ताकि तुम्हें नजर आए कहीं ऐसा ना हो के गिर जाओ। तो भाई ऐसे चीज के दौरान आप अपने स्कॉलर से क्या लेना है, आपको जोन सा स्कॉलर चाहिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर दिखाता हूँ, जो आपके यहाँ के आजकल के टीचर्स हैं वो आपको और क्या दिखाएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ। चाहे
चले सर, आपका यानी कि बात आपकी मुकम्मल हो चुकी है। सर मेरा ख्याल है कि मैंने मुकम्मल कर दी है, अगर आप सुन रहे होते तो आपका ये क्वेश्चन ना नहीं होता कि आपकी बात मुकम्मल हो गई है। अगर आप सुन रहे होते नहीं तो ये नहीं आपका क्वेश्चन ना होता। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि हमारे जो उस्ताद है उन्होंने हमें क्या समझाया है कि पहले दूसरे की बात सुननी चाहिए अच्छी तरह, उसकी बात सुन के, क्योंकि दलिया भी बनाना चाहिए बात का, क्योंकि आप बात करेंगे मैं करूंगा बीच में, पहले उनकी बात तसल्ली से सुननी चाहिए फिर हम अपनी बात करेंगे। जी कीजिए कीजिए। हाँ यानी कि अब बात करने का थोड़ा बंदे को यानी कि सुकून भी होता है और थोड़ा मजा भी रहता है इस बात में, क्योंकि बंदा जब बात कर रहा होता है कोई अपनी बात जब बंदा रिपीट करता है तो उसको यह लगे कि यानी कि उसकी बात सुनने वाले सामने बैठे हुए हैं। सर जी आप बात कीजिए ना, देखे ना, बात शुरू कीजिए अपनी। जी क्योंकि पर्दे का हुक्म औरतों का है और सबसे पहले मोमिन मर्दों को कहा गया है कि अपनी नजरें नीची रखें, अभी आयत मुबारक में मौजूद है और आपने लगता है ये नहीं पढ़ा है अभी तक। नहीं मैंने बिल्कुल पढ़ा है, और मैंने इसीलिए आपसे पूछा है कि उमर ने जब ये हरकत की उस वक्त ना ना मोहम्मद ने उमर पहले को क्यों नहीं कहा, उस वक्त मोहम्मद ने उमर को पहले क्यों नहीं कहा सिर्फ कि मर्दों को अपनी आंखें नीची रखनी चाहिए, उस वक्त उमर को खुली छूट क्यों दी रखी कि हाँ तुमने सौदा को आवाज कसी है, ठीक है कोई मसला नहीं है, औरतें तुम अपने आप को पर्दा करो। सर देखिये मैंने इसका आंसर आपको पहले दे दिया है, तो आप मुझे वो रिपीट कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है ना मेरे भाई। क्योंकि पहले मैंने आपको अदनान जी पेश किया है, क्योंकि आपने बात की है कि जी पहले मर्दों को क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ये आयत मुबारक जो कुरान पाक की आयत उतरी है सबसे पहले मर्दों को कहा गया है। अदनान भाई सुनो ना मेरी बात, असल में ना देखो जो चीज पे एतराज नहीं है उसका आप जवाब दोगे ना तो वक्त जाया होगा, ठीक है, जो चीज का एतराज हम करते उसका जवाब दे दोगे ना तो वक्त जाया भी नहीं होगा और लोगों को समझने में आसानी भी हो जाएगी। एडम ने जो ये बात आपने बिल्कुल ठीक है, हाँ जो एतराज किया उसका जवाब दो, उमर से उमर के ताल्लुक से जो एतराज एडम ने किया है आप उसका जवाब दे दो। हमको पता है कि कुरान में मर्दों के लिए आयत उतरी है कि अपनी मुसलमान मर्दों के लिए कि अपनी निगाहों को नीची करे, ठीक है, उस पर हमने एतराज नहीं किया है। हमने जो औरतों के लिए पर्दे की आयत उतरी और उसके बाद उमर का जो तरीका था सौदा को लेकर और मोहम्मद साहब का जो रवैया था उमर को नहीं डांटने का, उस पे आपका क्या जवाब है आप वो बताइए। उससे पहले भरत जी है 200 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन। साहिल भाई योर चैनल हैज स्टार्टेड बॉइलिंग द ओशन ऑफ इस्लाम, सून द ब्लॉक माइंड ऑफ सच इनोसेंट मुस्लिम्स विद गुड हार्ट विल बिकम क्लीन एंड क्लियर एंड दे विल बिकम काफी सून। थैंक्स अ लॉट भरत जी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं पर यह है कि किसी के ऊपर कोई जबन नहीं है हमारा, हम अच्छे तरीके से अहसन तरीके से हम अपने एतराज को रखेंगे और अपने मेहमान को या अपने कॉलर को जवाब का भी मौका देंगे। बस बात इतनी सी है कि आपको एतराज का जवाब देना है, आपको यहाँ वहां की बातें नहीं करना है। जी अदनान जी जो एतराज किया है उस पे उसके बारे में आप बताइए। जी जी मैं आपको बात वही कर रहा हूँ कि यानी कि लगता है कि यानी कि मेरी बात क्या किसी को इधर जल्दी समझ में नहीं आ रही है, यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मेरी बात लोग समझें लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को बात समझ आ रही है। ये जो हमारे जो भाई हैं इन्होंने जो पेश किया है अरबी में ये हदीस मुबारका का यानी कि है, मैं इनसे ये थोड़ा पूछूं। कुरान की आयत है, कुरान 33:59 की आयत युदनैन अलैहिन्ना के ऊपर तफहीम है अरबी के हिसाब से, इट इज नॉट हदीस, ये हदीस की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको कुरान की आयत का रेफरेंस दिया। आयत मुबारक कितने नंबर है और कौन सी सूरा में, और आयत मुबारक कितने नंबर है? ये जो भाई दिखा रहे थे आपको मेरे आने से पहले 33 सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 जी, तो तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर खोल लीजिए सर जी, मैंने आपको वही पूछा है तफसीर इब्ने कसीर है ना, ये ले नहीं सर ये तो मैंने अरबी समझाई है तफहीमुल कुरान के जरिए, ये तफसीर इब्ने कतीर है, मैंने वो शो करा रहा हूँ, वो भी यही कह रहे हैं युदनैन अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना ही कवर्ड हिज फेस एंड हेड विद जस्ट द लेफ्ट आई शोइंग। सो वो इसकी ये देखे अरबी में ना इन्होंने यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है तफसीर इब्ने कतीर वो पूरी नहीं की हुई, बहुत छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है। मैंने तफहीमुल कुरान
जो कि उर्दू में मौजूद है, मैंने पहले आपको वो दिखा दिया है कि यार इसका तफहीमुल कुरान, कुरान को समझना, तफहीम जो की गई हुई है मौलाना अलमादूदी ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेट मी वेरीफाई कि किसने की हुई है तफहीम, एक सेकंड दीजिएगा, लेट मी वेरीफाई, जी तफहीमुल कुरान में मादूदी की, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, मैं बाद में देख के बताता हूँ आपको, लेकिन ये जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ये देख लें, ये तफसीर इब्ने कतीर है, ये देखें कतीर इब्ने अल कतीर, ठीक है, वो भी आपको यही बता रहा है कि फेस तक को कवर करना है सिर्फ एक आंख को छोड़ के, क्योंकि उस जमाने में शायद सुराखों वाला बुरका नहीं था, तो वो ऊपर से लेके आए हुए। सो मेरे भाई मसला ये नहीं है, द मसला इज कि आपको हदीसें दिखाई हैं लास्ट टाइम, आपने देखा होगा कि ये आयत क्यों नाजिल हुई, क्योंकि उमर ने आवाज कसी सौदा के ऊपर, और सौदा जब, सौदा मोहम्मद की बीवी हैं, वो जब गई अपने प्यारे हस्बैंड के पास, तो उन्होंने कहा ओके आप लोगों ने पर्दा करना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि औरतों को पर्दा करने का हुक्म उमर की आवाज कसने के बाद क्यों हुआ, वाई नॉट कि उमर को कहा जाए उमर तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपनी आंखें नीचे रखनी है, तुमने क्यों देखा उसकी तरफ और क्यों आवाज कसी। मोहम्मद ने उमर को ऐसे नहीं कहा, मोहम्मद ने ये आयत अपनी बीवियों को दे दी, दैट्स द क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ। तो आपका यानी कि आयत मुबारक का पूरी तफसीर आपको, आपकी स्क्रीन जब भी होगी इस मौजू पे पूरी मुकम्मल तफसील से हम बात करेंगे उस वक्त, क्योंकि अभी जो आपने आयत पेश की इसका मुझे, मेरी बात सुने, आपने जो पेश की इसका मुझे पक्का नहीं है कि जो आपने पेश की है ये सही है या नहीं है, है? जो मैंने आपको जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर मुझे, मैं एक मिनट मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, आप जो भी पेश करेंगे आपके ऊपर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है, जरा सा भी, क्योंकि मैं जब तक उसको स्टडी नहीं करूंगा तब तक इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कुछ भी, क्योंकि जब तक मैं उस चीज को स्टडी नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं अपनी नजरों से या उनसे अपने उस्तादों से वो चीज नहीं देखूंगा खुद, तब तक इस बारे में या आप मुझे पेश करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा जो भी यानी कि तफसीर है आप मुझे बता दें, मैं लिख के रख रहा हूँ इस चीज को, लिख बिल्कुल लिख के रखिए, हाँ ठीक है ये भी लिख लें, क्योंकि ये हदीस है सही बुखारी की, आपने कहा सही बुखारी को मानते हैं, दे दिया हूं। सर ये भी दिखाएं, 6240 दे दी, सब दे दिया हूँ मैंने, ओके ठीक हो गया जी, अब आप 6240 एक बार देख लेता हूँ, ये शो करा दे, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखे कि उमर बिन अल खिताब ने क्या कहा, ये सर मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ जरा इनको देखने दें, उमर बिन अल खिताब आ हजरत से कहा करते थे कि अपनी अजवाजे मोहतरात का पर्दा कराएं, बयान किया कि हजूर ने ऐसा नहीं किया, और अजवाजे मुताहरात रफा हाजत के लिए रात के वक्त निकलती क्योंकि घरों में बैतुल खिला नहीं थे, एक मर्तबा सौदा जो कि रसूल की अजवाज जोजा में से थी, इनका कद लंबा था, हजरत उमर बिन अल खिताब ने इन्हें देखा, इस वक्त वो महफिल मजलिस में बैठे हुए थे, यानी कि अपने दोस्तों के साथ थे, उन्होंने कहा सौदा मैंने आपको पहचान लिया, भाई वो अपनी जगह पे अपने दोस्तों के दरमियान कहीं बैठे हुए थे, सौदा बाजार में से यानी कि सड़क में से गुजर रही है, आपने अपनी महफिल में बैठे बैठे ये आवाज कसी, ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बड़े ही मतमन्नी थे, बयान किया फिर अल्लाह ने पर्दे की आयत नाजिल की, सही बुखारी 6240 sunna.com। सर देखें आप ये सारे ले जाएं और फिर जो है ना आइएगा वापस, ये दूसरी स्ट्रीम ऑलरेडी है, तीसरी स्ट्रीम शायद इस चीज के ऊपर ना हो, लेकिन अगर आप आएंगे कुछ लेके तो हम उस स्ट्रीम में आपकी बात रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मैंने हवाले उनको दे दिए हैं, और वो लौंडी वाला हवाला भी दे दिया है जो उमर मार के उनको कहते हैं कि, और उमर की लौंडियों की ब्रेस्ट आपस में छलक रही होती थी, और हाँ हाँ वो भी दे दिया है, वो भी दे दिया है मैंने, सब हवाले दे दिए इनको। अदनान भाई ठीक है, आप तहकीक करिए और आइएगा जरूर, उम्मीद है कि जब ये सब चीजें आप देखेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा, दिल आपका यानी इस कदर हो जाएगा कि आप सोचोगे कि यार जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मोहम्मद साहब के बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, और उमर वैसे ऐसे शख्स है जिनको देख के शैतान भी भाग जाता है, अगर ऐसे लेवल का इंसान अगर इस तरीके की हरकतें करे तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि क्या कहा जाए इनके बारे में।
आप खुद इसकी क्योंकि ये सवाल आपका नहीं है ना, क्योंकि ये सवाल आपका अकेले का नहीं है, आप सोच रहे होंगे आपने अकेले ने ये सवाल किया है, आपसे पहले मेरे ख्याल से कोई हमसे सवाल मुझसे अकेले से, बाकी अगर तो मुझे किसी का नहीं अभी तक पता है, ये सवाल मुझसे तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद है कि 30 बंदों ने ये सवाल मुझसे यही किया है अभी तक, अभी तक ये 30 बंदों ने यही सवाल मुझे अभी तक किया है सर। अगर 786 मैडम 786 लोग देख रहे हैं, 786 ये तो नीचे आ गया। चलिए यार अदनान भाई, अगर 30 लोगों ने आपसे अभी ये सवाल किया है तो इसका मतलब है आप हमारे सवाल को भी ले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अगर 30 लोगों ने ऑलरेडी आपसे ये सवाल किया है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनको जवाब हमने जवाब उनको हमने ऐसा दिया अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तो आप दे नहीं रहे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह ही हो गया ना कि अभी तो आप दे नहीं सक रहे, आप कह रहे हैं मैं अपने उस्तादों के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इतराज जो किया था ना उनको उसका जवाब मिला, आपने जो पेश किया हम उसका जवाब आपको देंगे। यार अदनान भाई देखें पता है मसला क्या है, मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है, मसला ये है कि आप इतने चकड़े हुए हैं और आपको समझ नहीं लग रही कि हो क्या रहा है, आपके सामने दिखाया है। अच्छा एक चैलेंज आपको मैं देता हूँ, ये जितनी चीजें मैंने अभी दिखाई है इनमें से किसी एक को गलत साबित कर दो, जाओ आप कर ही नहीं सकते, आप सही बुखारी को भी मानते हो, आप सही मुस्लिम को भी मानते हो, आप इब्ने कतीर को भी मानते हो, आप तफहीमुल कुरान को भी मानते हो, अरबी के थ्रू आपको बता दिया, यार कैसे करोगे यार, ये तो सिर्फ जो है ना जान छुड़ाने वाली बात है। अच्छा यार मैं जाके देखा, ना 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 जान नहीं छुड़ानी, जान बिल्कुल नहीं छुड़ानी, जान नहीं छुड़ानी, जान हम छुड़ाने वाले नहीं है ना सर, ऐसा ही मुझे लग रहा है, जान जा सकती है हमारी, जान जा सकती है, हम भागेंगे क्यों, क्योंकि हम कौन सा किसी से लेके खाते, जिस खुदा ने हमको देता है हम तो उसका खाते हैं, हम तो उसके लिए काम करते, हम थोड़ी ना दुनिया के लिए काम करते, खुदा देता है सर आपको, खुदा देता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक देता है, आप 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 अपने बंदों के लिए आप काम कोई नहीं करते, मैं काम करता हूँ तभी मुझे मिलता है ना, जब खुदा मेरे लिए, मैं मेहनत करता हूँ ना, ये साहिल भाई मेहनत करते हैं, साहिद भाई मेहनत करते हैं, ये खुदा को नहीं मानते आपके, ये मेहनत करते हैं इनको भी रोटी मिलती है, इनको भी अल्लाह पाक देता है रिज़्क, तो फिर आपका खुदा कैसे देता है भाई, वो तो मानते ही नहीं, वो तो अल्लाह अल्लाह पाक उनको रिज़्क देता है भाई, मैं कह रहा हूँ साहिल भाई, अल्लाह पाक, मैंने आपको मेरी बात सुने एक मिनट, मैंने आपको पहले भी गुस्ताखी करने से मना किया था, क्योंकि हमारा जो मिजाज है ना, गुस्ताखी किसे कहते हैं, गुस्ताखी जो आपने अभी बात की, क्योंकि हम यहाँ पर इंसानियत के नाते इंसानों की तरह बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपने कहा भाई साहब ने आप पहले बात की कि इंसान हूँ, हम इंसान है, लेकिन मुझे आप इंसान नहीं लगते सर, ऊपर वाले भाई इंसान लगते हैं, लेकिन मेरी बात सुने, मैंने आपकी गुस्ताखी पहले भी बर्दाश्त की, मैंने आपको एक मिनट, मैंने आपको पहले क्या कहा सर, कि आपकी पहली बात को मैंने सिर्फ दरगुजर किसी वजह से किया था सर, गुस्ताखी दरगुजर किसी वजह से किया, जो आपने अभी बात की है वो क्या थी, मैं वो क्या थी दफा पूछ रहा हूं, हमारे लिए बहुत बड़ी गुस्ताखी है ना आपने जो की सर, गुस्ताखी आप हमारे, आप जो मेरे अल्लाह पाक के बारे में कहते हैं, जो आप अगर आप मेरे सामने होते ना तो फिर बात होती, क्योंकि ये वो तो बाद की बात है, जब आप सामने होते फिर पता चलता है क्या हो सकता है। सर क्या करते हैं आप मेरे साथ अगर मैं आपके सामने होता, जरा बताएं सर, अगर सामने होते फिर बात होती है, ऐसे वही मैं कह रहा हूँ, अज़्यूम करें मैं आपके सामने होता आप क्या करते मेरे साथ, क्योंकि मैंने कहा अल्लाह नोक पे लिखता हूँ, आप क्या करते मेरे साथ अगर मैं आपके सामने होता। अच्छा एडम सर जी मुझे एक मिनट आंसर आपका जरूर दूंगा, आंसर आपका जरूर दूंगा, हमारी आबादी में आप जैसे एक पागल उठा था जिसका ये वाक्य मैं आपको समझाने लगा, आपकी समझ के लिए, आपकी समझ के लिए, आपकी समझ के, मेरी बात सुने ना, आपने कहा कि आपको क्या कहूंगा, मैं आपको सिर्फ एक बात, मेरी बात सुने ना, आप बात तो सुने ना पहले, मुझे किसी और बात सुने ना, हम अपने मिजाज को सामने रखते हैं पहले सर, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, फिर बात करेंगे सर, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, मुझे आपसे लेना देना है, आप मेरे सामने बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ क्या करते हैं मुझे वो बता दें, आप अगर सामने होते तो फिर बात होती ना, मैं आपने क्या कहा, क्या करते ये बता दें, बात की बात है ना, बात की बात नहीं है, बात की बात है,
आपने यहाँ बैठे एक बात की है साहिल भाई, इसका आंसर लेने मुझे, इसका आंसर एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनो ना। हाँ क्या कर, एक मिनट, मैंने आपको क्या कहा कि आप मुझे इंसान भी नहीं लगते सर जी? वो आपको कुरान कहता है, वो आपका कुरान कहता है कि हम इंसान है ही नहीं, 98.6, मुझे उसकी उसकी परवाह नहीं है, आप क्या करते वो बताएं। क्योंकि आप इंसान है ही नहीं ना, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप इंसान नहीं, इंसान इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कुरान कहता है, मेरी बात सुनो नहीं है। अच्छा अच्छा, ना ना क्या करते वो बताएं। एडम और मेरी बात सुनो, हाँ एक मिनट आदम, एडम और अदनान भाई थोड़ा यानी हम यहाँ झगड़ा और झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, तो लेट्स कूल डाउन। हाँ नहीं, मैं कूल डाउन हूँ, इससे ज्यादा कूल डाउन तो मैं कभी जिंदगी में भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब मैं चाहिए, उनसे पूछ लेता हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ एडम, ये क्या करते बस। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ अदनान भाई, थोड़ा शांत हो जाओ। देखो अदनान भाई, इस तरीके से बातें करना दुरुस्त नहीं है, यानी हजारों लोग देखते हैं, अगर आप इस तरीके का एग्जाम्पल। नहीं एक मिनट एक मिनट, आपके मेरी बात सुने ना, आपके आदमी ने भी क्या बात की, आपने भी सुनी है, इधर लाखों लोगों ने इसकी बात सुनी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक इसके बाद, इसके बाद कई लोगों ने सुनी होगी। एडम एक मिनट एक मिनट, एडम एक मिनट एक मिनट, अदनान भाई देखिए प्रॉब्लम यही है ना, जब आप इस तरीके से बोलेंगे कि मैं अगर सामने होता तो इस तरीके से, यानी एक सीधी से सामने वाले को मैसेज जा रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर सामने होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। आप कह नहीं रहे हो, लेकिन एक मैसेज लोगों को वही जाएगा। और लोगों को ये मैसेज नहीं अभी तक गया, लोगों को मेरा मैसेज अभी तक नहीं गया, लोगों को मैंने अभी मैसेज दिया ही नहीं अपना। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी 4 दिन तक नींद आएगी, ये आपको मैंने पहले भी कहा था, तो लगता तो मुझे अभी भी है। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, एक मिनट अदनान भाई, चलिए थोड़ा चिलपिल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप अभी जाइए और जो हवाले दिए गए हैं आप उस पे रिसर्च करिए, तहकीक करिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट टीम ज्वाइन करिए, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, हम यहाँ झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। एक मिनट एडम, हम झगड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं, हम समझने के लिए बैठे हैं। तो आपके आदमी जानबूझ के वो बात करते हैं जो हमारे जज्बात के बिल्कुल ही कायल नहीं है, जो हमारे कान तो क्या हम इशारे भी नहीं ऐसा सुन सकते। ले जी, अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ये आयत दिखा के सर, ये आयत दिखाएं कुरान की। एक मिनट, ये अब मैं सेंटेंस बोलने लगा हूँ, इस आयत को दिखा के। अल्लाह कह रहा है, ए अहले किताब और मुशरकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा इसमें रहेंगे, ये लोग बदतरीन खलाइक में से हैं, यानी कि ये सबसे बदतरीन खलक है, क्रिएशन है, यानी कि ये बदतरीन खलाइक में से है, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स हैं। इस किस्म के अल्लाह को मैं कहां पे लिखूं, जरा मुझे ये समझाओ, जो मुझे बदतरीन क्रीचर्स में से जानता है उसको मैं अगर अपने नोक पे नहीं लिखूं तो कहां पे लिखूं, और ये उस किस्म के अल्लाह के लिए मुझे आके धमकियां देंगे। जरा मुझे दिखाएं कि ये कुरान इस तरीके से क्यों बोल रहा है, किस तरीके से अल्लाह ये कह सकता है, अगर ये अल्लाह है और वाकई में अल्लाह कोई खुदा है मोहम्मद का अल्लाह, वो अपनी ही बनाई हुई मखलूक के बारे में इस तरीके से टैटे कर रहा है और मुझे हक नहीं बोलता कि मैं इस अल्लाह के बारे में बोलूं, क्यों नहीं बनता? अगर वो कह रहा है तो मैं भी कह सकता हूं, नहीं तो वो निकालेंगे सारी वर्सेस। अच्छा एडम एक मिनट, अदनान भाई आपका इस पे क्या कहना है कि हम जैसे लोगों को अल्लाह बदतरीन मखलूक कह रहा है, तो जैसा आपको गुस्सा आ रहा है वैसे सामने वाले को गुस्सा नहीं आ सकता है क्या? मैं आपको एक बात अभी करता हूँ छोटी सी, मुझे आपकी इस बात से एक याद आ जाता है, एक बहुत बड़ा इंसान जिसको मैंने आज तक नहीं जिसे भूल सका हूँ, शायद मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है लेकिन मैं भूल नहीं सका उसे, हातम ताई का नाम सुना है आपने? हातम ताई, शायद आपने हिंदुस्तान में उसका बहुत ज्यादा नाम सुने, लोग सुनते भी है। हातम ताई का नाम सुना है आपने? सीरियल, आपने बात सुना है हातम ताई का नाम? सीरियल की बात नहीं कर, आपने नाम सुना है? मैंने सिर्फ नाम सुना है उसका। हाँ हमने सीरियल नाम सुना है उसके ऊपर, ठीक है आगे। मैंने मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब सफरे मिराज पे खुदा से मुलाकात करने के लिए गए तो आपने जहन्नम में एक इंसान को देखा, एक आदमी को देखा, एक इंसान को जो जहन्नम की आग में ऐसे चल रहा है जैसे आम आदमी किसी जगह पर चल रहा होता है, और अपने घोड़े पे
कभी इधर कभी इधर जाता है। तो अब आकाश मौला ने अगर जिब्रील इस्लाम जो अल्लाह पाक के प्यारे फरिश्ते हैं और जो पैगंबराने पर अल्लाह के पैगंबरों के पास वही अल्लाह का पैगाम लेके जाते हैं जिनके पास जो लेके जाते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, आपने कहा या रसूलल्लाह ये हातम ताई है, ये हातम ताई है, ये वो हातम ताई है जिसने अपनी जिंदगी में इतनी सहावत की है कि खुदा पाक की जो रहमत है वो शर्मिंदा होती है इसको आग को आग में जलाने के लिए। खुदा पाक की जो रहमत है इसने इतनी सहावत अपनी जिंदगी में की है कि अल्लाह पाक की जो रहमत है वो शर्मिंदा होती इसको आग में जलाने के लिए। ठीक है, आगे बोलिए, मतलब ये बयान जैसा हो जाएगा अदनान भाई, आगे बोलिए, बोलना क्या चाह रहे आप इससे? आपको मैंने बात समझा तो दी है, आराम आसान लफ्जों में बात समझा दी है और हदीस मुबारका से ये बात आपको समझाई। मैं एक पढ़ूं, मैं भी एक चीज पढ़ना चाहता हूँ जरा, जिस तरह इन्होंने जवाब दिया मेरा भी एक प्यारा सा जवाब। सर ये सुनिएगा, आपका प्यारा जवाब नहीं, आपका प्यारा जवाब नहीं, आपका जो भी जवाब तीर से जहर के तीर की तरह जाकर लगता है। हाँ, जहर के तीर लगना, की चाहिए, तरह। लगना चाहिए। अच्छा मैं जब मुझे लगना नहीं, लगना नहीं लगना चाहिए, लग रहा है। हाँ लगना चाहिए, लगे, मैं चाहता हूँ कि लगे क्योंकि कुरान मुझे ऐसे कह रहा है तो जवाब भी लगना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने इसके ऊपर जवाब ही इसीलिए मैं अक्सर मैं ये बात मैंने आपको जवाब दे दिया, आपका जवाब मेरे ख्याल से मुकम्मल, मैंने आपको जवाब दे दिया इसका। अबे यार मेरी बात सुन ले, आपको लगता है मेरी बात समझ नहीं आई लगता, मैंने अभी किस चीज का जवाब दिया है आपने? अच्छा, आपको जवाब नहीं लगता समझ आया फिर रिपीट कर देता हूँ वही बात। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, मत रिपीट मत करिए अपने क्या नाम है अदनान भाई। देखिए अपने को एडम ये डिस्कशन को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ठीक है, सही है भाई। एडम ने, हाँ मैं सिर्फ इतना क्लियर कर देता हूँ कि अदनान भाई आपको एडम ने वो कुरान की आयत इसलिए बताई क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह के बारे में कुछ अल्फाज कहने से आपको बुरा लगता है उसी तरीके से कई सारे लोगों को अल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि सबसे बदतरीन मखलूक है उस पे लोगों को भी तकलीफ होती है, ये बस समझाने के लिए बात थी। चलिए अदनान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हवाले आपके पास है, आप उस पे तहकीक करिए और नेक्स्ट टीम में आप आइए, ठीक है? ठीक है जी, आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं अदनान भाई। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह मस्ट बी रियली क्रूएल टू ऑर्डर सच अ ड्रेस कोड लाइक अ ब्लैंकेट फॉर वुमेन इन अ हॉट डेजर्ट रीजन लाइक अरेबिया। बिल्कुल, और वो जो तफसील थी तफसीर इब्ने कसीर में भी ये मौजूद है जो एडम ने बताया था कि ऐसा ढाकना है कि एक आंख खुली रहे, सिर्फ एक आंख। जी मेरे काफिर साहब का भी लाए सुपर चैट सामने, काफिर क्रिस जी का ना, वही देख रहा हूं। काफिर क्रिस जी ने 200 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। मैं साइड नहीं लेता हूं डिबेट्स में बट आज बोल रहा हूं। अदनान जी जब आपको मोहम्मद और अल्लाह दूसरे के ईश्वरों को गलत बोलते हैं तो सुना भी करो। मेरे हिसाब से भी अल्लाह इज मोस्ट इनसेन एंड रिडिकुलस। बल्कि एडम एक हमारे कोई तो एक ये आए थे आपके आने से पहले, वो मुझसे पूछ, हाँ पूरा बोंगा साहब, वो मुझे पूछ रहे थे, उनका पूरा बोंगा, ओके। वो मुझे पूछ रहे थे कि ये सबसे पहले जंग स्टार्ट किसने की। मैंने बोला सबसे पहले जो फसाद ये पूरी जो हुई है वो उसकी दरअसल जो बुनियाद है वो मोहम्मद साहब थे, और मैंने उनको बताया भी दलील के कि वो वहां के मुशरिकों के बुतों को वो बुरा भला कहते थे, गाली गलौज करते थे, और वो आके प्यार से समझा रहे कि आप जो है इस चीज को छोड़ दे, वो फिर भी नहीं मानते, तो वो मुशरिक बोलते कि ठीक है अगर आप इससे बाज नहीं आओगे तो हम आपके खुदा को भी, अगर आप हमारे बुतों को गाली दोगे तो हम भी आपके खुदाओं को गाली देना शुरू कर देंगे। फिर कुरान ने आयत नाज़िल कर दी, एग्जैक्टली जी। तो मैंने वही कहा कि ये पंगा हुआ कहाँ से है, आप शुरू तो देखो ना, आप बीच में से जंग क्या हुई क्या नहीं हुई ये समझने के लिए तो सदियों गुजर जाएंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री हम पढ़ने बैठे सर। हिस्ट्री शुरुआत तो देख लो कि किसने की है, स्टार्ट तो मोहम्मद साहब ने की है सर। आप हिस्ट्री भी देख लें, इस किसी भी मुसलमान को कहिए कि यार मुझे बताओ बदर क्यों हुई, देखें वो बताएं कि बदर क्यों हुई, बदर
जी डिफेंसिव वॉर थी, कुरैश मक्का ने हमला कर दिया भाई, उससे पहले चार दफा आपने उनके काफले लूटने की कोशिश की, तीन दफा आप नाकाम रहे, चौथी दफा में आपने लूट लिया, कत्लो गारत की, उनकी बांदी बनाया, उन लोगों को मारा, उनका माल लूट लिया, फिर वो बेचारे मक्का से निकले और हमला किया कि भाई ये तो हमारे काफले ही लूटना शुरू हो गए हैं, तो मोहम्मद अच्छा, काफला चोर था। इसमें इसमें एडम एक क्लोज टीम हम लोग करते हैं ये चीज के ऊपर, है ना, किसी दिन एक क्लोज टीम करते हैं थोड़ा, मेरे ख्याल से तो हवाले आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। हाँ, एक क्लोज टीम क्या होती है? क्लोज टीम में मतलब हम लाइव कॉलर्स नहीं लेंगे। अरे नहीं, रिबटल आने दो, क्लोज स्ट्रीम हमारी कोई नहीं होती, हमारी हर स्ट्रीम ओपन होनी चाहिए, जिसने आना रिफ्यूट करना करे, आए। चलो, काफिर क्रिस जी ने 40 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट, वो पूरा नहीं आधा था साहिल भाई।